ये देखें जी, ये देखें जी, जो जो लेना चाहे विसल्स में मिल जाएंगी, ठीक है। मेरे आ जाए फेसबुक पेज पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम नहीं चल रहा मैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो बड़ी स्पेशल है और हर घर का मसला आ जाता है। आज हमारे पास आए हैं 3 स्पैरो बेबीज रेस्क्यू के लिए। जो आम चिड़िया है अक्सर कई घरों में कमरों के अंदर बाइटसिनों में उनके घोंसले होते हैं, दीवारों के अंदर, पंखों के आसपास, और अक्सर बच्चे गिर जाते हैं अपने घोंसलों से। लेकिन कुछ एक और भी सीन बन जाता है। ये हैं जी 3 बच्चे जो आम स्पैरो है, हर घर में पाई जाती है, बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, कुछ एक डेज़ के हैं, तकरीबन 10 से 15 डेज़ के ये बच्चे होंगे। हुआ इनके साथ ये कि इनका नेस्ट था बड़े अच्छा तरीके से, और अक्सर ऐसा हो जाता है जो आम कॉमन मैन है, जिसको मैं टेम करता हूँ, फ्लाई टेम या वैसे टेम, वो इनके नेस्ट में हमला कर देते हैं, अक्सर बच्चों को मार देती हैं या नेस्ट ख़राब करके सारा उजाड़ देती हैं। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है बच्चे बच गए। हवेली में था इनका नेस्ट और दीवार के अंदर था, उन्होंने क्या किया कि हमला किया और सारा नेस्ट दीवार से गिरा के नीचे फेंक दिया। अल्लाह का शुक्र नीचे थे जो घास वगैरह थी जो जानवरों के लिए, उनके ऊपर बच्चे गिरे और सेफ़ रहे किसी ज़ख्म से और बच गए उनसे। यानी कि घोंसला उन्होंने खींचा होगा जो भी किया, लेकिन सारा घोंसला ही नेस्ट नीचे आ गया। इसको इन पर दोबारा इसलिए नहीं रखा क्योंकि दोबारा फिर वो हमला कर सकती थी, मार सकती हैं इनको। और अक्सर घरों में ये इश्यूज आ जाते हैं कि जो घरों में ब्रीड करती हैं आम स्पैरोज, वो नेस्ट बना लेती हैं और बच्चे कहीं ना कहीं अक्सर उनके नीचे गिर जाते हैं। तो इनको पालने का तरीका, ठीक है, उसके साथ साथ ये कि मेरे पास आ चुकी हैं अपनी विसल्स सारी की सारी, 15 से 20 पीसेज आ चुके हैं। मैं अभी ओपनिंग करके आपको दिखाता हूँ। जिसको विसल्स चाहिए वो आ जाए मेरे फेसबुक पेज का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे मैं आप उसको फॉलो करें, लाइक करें और साथ मुझे वहाँ मैसेंजर पे उसके मैसेज करें, और फिर मैं आपको जिसको चाहिए होगी विसल बर्ड्स ट्रेनिंग के लिए वो मिल जाएगी, ठीक है। बाकी जो बर्ड्स के साथ लेना चाहे फ्लाइट एम बर्ड्स के साथ तब उनको मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे फेसबुक पेज का। इंस्टाग्राम आजकल आपको बताया कि नहीं चल रहा, जो इंस्टाग्राम पर मेरे से बात करना चाह रहे हैं तो मेरा आजकल बंद है, लॉग आउट है, उसका पासवर्ड भुला हुआ है। तो काइंडली आप मेरे फेसबुक पेज पे आ जाएं, वहाँ पे जिसको विसल चाहिए मैं दे दूँगा। मेरी विसल्स आ गई हैं सारी, ठीक है, मेटल की, तो मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले फीड कराने का तरीका, ठीक है, करना क्या है कि जो सीरीलैक होता है आम सीरीलैक, 3 फल वाला बच्चों का, जो आम सीरीलैक नेस्ले वालों का पाकिस्तान में हर जगह से मिल जाएगा, हर छोटी बड़ी शॉप से आपको मिल जाएगा, 20 रुपये का या 25 रुपये का साशे है। और 3 फलों का लेना है, 3 फ्रूट्स, और वो सबसे बेस्ट है अगर आप लेना चाहें। लेकिन मेरे पास तो फीड है जो मैं पैरट्स को ऑलरेडी सीटा का स्ट्रॉफी कैनन या केटी की फीड करवा रहा हूँ, वही मैं इनको फीड करवाऊँगा क्योंकि मेरे पास अवेलेबल है। लेकिन आम लोगों के पास, कईयों के पास नहीं है, उनको बच्चा मिल जाता है तो वो क्या फीड करवा सकते हैं, वो इनको सीरीलैक 3 फल वो फीड करवा सकते हैं। किस तरह इनकी फीड बनानी है, कितना सीरीलैक बनाना है या कितनी मैं फीड बनाऊँगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, और करवाना किस तरीके से, इंजेक्शन के जरिए से भी करवा सकते हैं। ये है जी बाउल एक, इसमें थोड़ा सा मैंने पानी लिया है, ठीक है, ये हल्का सा टच ही नज़र आ रहा होगा शायद पानी का, ठीक है। अब ये मेरे पास इसके अंदर फीड है जो कि मैं करवा रहा हूँ अपने पैरट्स को, सिटा का सा, ये 5000 की 2 kg है, ठीक है, 2500 की 1 kg। कुछ लोग नहीं ले सकते या नहीं अवेलेबल होती तो वो क्या करें, 3 फल सीरीलैक ले लें। झाड़ू, आप हर घर में झाड़ू होता है, ठीक है, सफाई के लिए झाड़ू का ये एक तीला जिसे बोलते हैं, एक हिस्सा ये तीला ले लेना है, एंड वाली इसकी डंडी होती है ज़रा मोटी, इसको रगड़ के ज़रा गुलाई में कर लेना है, ठीक है, कुछ सख्त ना हो। अब इसमें मैंने फीड डाल दी है जी, अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह की, ये देखें जी, इस तरह की गाड़ी बनी है, ये पतली नहीं है, थोड़ी सी गाड़ी है, और गाड़ी रख के बनानी है। कितनी गाड़ी हो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, ये आपने यानी कि सीरीलैक गाढ़ा बना दें, ये फीड है, इसी तरीके से सीरीलैक थोड़ा गाढ़ा बनाना है, यानी कि जब आप बनाएँ ये देखें तीले के साथ इस तरह लग जाए, ये मैं ऐसे कर रहा हूँ,
ये तीले के साथ लग रहा है, ज़्यादा हार्ड भी ना हो ज़्यादा पतला भी ना हो, यानी कि ये तीले के साथ चिपके, ये देखें गोल लग रहा है, ये साथ चिपका हुआ है। इस तरीके से आपने सीरीलैक बनाना है, या अगर आपके पास ये फीड है ठीक है, इस तरीके से कराना है और तीला ले लेना है, तीले से फीड करवानी है ठीक है। ये तीला आपको हर घर में है, और ये देखें जी पहले दिन इनको थोड़ी टेंशन होगी, नहीं लेंगे फीड, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से ये फीड करना शुरू कर देंगी। अब मैं कोशिश करता हूँ के पास यहाँ पे रखूँ, ये जी हमारे स्पैरो बेबीज़ हैं ठीक है, और ये मैंने फीड बनाई है इस तरह कैसे, ये देखें ये माशाल्लाह से अभी इसने मुंह ओपन किया, और ये देखें माशाल्लाह से फीड लेना स्टार्ट कर दिए ये बड़े बच्चे ने। ये सेकंड बच्चा भी फीड लेना स्टार्ट कर चुका है, ये देखें जी फीड कितने टाइम करवानी है, दो हर दो घंटे बाद आपने सीरीलैक फीड करवाना है ठीक है, कितने हर दो घंटे बाद। तो ये याद रखिएगा आपने हर दो घंटे बाद फीड करवानी है। ये देखें माशाल्लाह से पहला दिन है, पहली टाइम है ज़िंदगी में, पहली बार ये मेरे से एनफील्ड ले रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप लोगों के सामने ही मैं इनको फीड करवा रहा हूँ। ये देखें तीले के साथ इजीली चिप करा है। अब छोटू बच्चू ऐसे, ये छोटू बच्चू ने भी, तीन बच्चे हैं जी, ये भी मैं बता दूँ कितने बच्चे हैं, ये तीन बेबीज़ हैं माशाल्लाह से, तीनों ही फीड ले रहे हैं एक एक करके। और ये देखें जी माशाल्लाह से हर दो घंटे बाद आपने इनको फीड करवानी है, याद रखिएगा मेरी बात, क्योंकि इनका पेट पोटा होता है वैसे जल्दी हजम कर लेते हैं ये, और थोड़ी सी फीड करनी होती है ताकि वीक ना रहे, हर दो घंटे बाद कोशिश करें कि इनको फीड करवा दें। ये हल्का सा मैंने नेस्ट बनाया है, ये मिट्टी का प्याला था, इसमें ये मैंने थोड़ा सा किया है, और प्लेन जगह पे नहीं रखने, टांगे इनकी ख़राब हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, तो इस तरीके से आपने ये पराली, हम तो इसे बोलते हैं, झाड़ वगैरह बना के नेस्ट बना देना ताकि इनके पंजे कवर रहें, ख़राब ना हो। और मेरे ख्याल में अभी फीड थोड़ी सी हो गई है इनकी, ये देखें जी, ओए इसको नहीं खाना, ऐसे माशाल्लाह से हमारे बेबी ज़िंदगी में पहली बार मेरे हाथ से फीड ले रहे हैं। फीड थोड़ी सी ज़्यादा लग जाती है, ऐसे ठीक है। आज आपको क्लियर मेरे ख्याल में वीडियो नज़र आ रही होगी, तो ये है फीडिंग करवाने का तरीका, बाकी मैं बाद में थोड़ी सी देख के करवा लेता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। और अब विसलों की ओपनिंग की जाए, ये जी एक पैकेट ऑलरेडी, ये विसलों का मेरे पास तीन विसलें उस दिन आई थी, ये एक पैकेट है, उसके साथ साथ ये एक शिपमेंट आई है, आपको दिखा के ओपन कर रहा हूँ, मैंने ओपन नहीं की सुबह की, मैंने कहा आपके सामने ओपन करेंगे। और तेरी ये एक पहली है, 1 2 3 4 5 15 और 3 18 विसल्स आ चुकी हैं मेरे पास, 3 हैं, और
जो जो लेना चाहे विसल्स में मिल जाएंगी, ठीक है मेरे आ जाए फेसबुक पेज पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम नहीं चल रहा, मैं 2-3 दिन से आपको अपडेट दे रहा हूँ। जो मैसेजेस कर रहे हैं काइंडली मुझे इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम कह रहा हूँ फेसबुक पेज पे मेरे फॉलो कर लें मुझे, और वीडियोस भी वहाँ पे मेरी आती रहेंगी आपको बाकायदगी से। जो ओल्ड है, जो वीडियोस जो लोगों ने नहीं देखी हुई, न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, ओल्ड वीडियोस नहीं देख पाए, तो ओल्ड वीडियोस भी मैं वहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। साथ में जिसने विसल लेनी हो मैसेंजर पे मुझे मैसेज कर दे, तो विसलें आ चुकी हैं। जो जो बंदे लेना चाह रहे थे और जो इनबॉक्स कर रहे थे मुझे, तो वो आ जाएँ जल्दी से, विसलें पहुँच गई हैं और भी आ जाएंगी, ठीक है। जितनी 2, 4, 6, 1 पीस जितने पीस चाहिए आपको मिल जाएंगे, ऑल ओवर पाकिस्तान में मिल जाएंगे, इंडिया में नहीं मिल सकते। तो पाकिस्तान लेवल पे जिसको चाहिए जल्दी से मुझे फेसबुक पे आके मुझे मैसेज करें, और मैं फिर बताता हूँ सारी अपडेट। आज की वीडियो होती है ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।